दोस्तों, आज हम अपने वीर जवानों की सीरीज में अगले वीर जवान परमवीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार बाना सिंह के बारे में पढ़ेंगे। 26 जून 1987 को जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन के नायब सूबेदार बाना सिंह स्वेच्छा से उस कार्यकाल में शामिल हुए जिसे 21,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन पर सियाचिन ग्लेशियर में पाक सेना के कब्जे में कायद चौकी को छुड़ाने का कार्य सौंपा गया था। सियाचिन की भयंकर जलवायु के साथ तीव्र बर्फीले तूफान, -50 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान और ऑक्सीजन की जीवित रहने के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। नायब सूबेदार बाना सिंह और उनके जवानों ने शून्य दृश्यता की स्थितियों में जोखिमपूर्ण मार्ग से बर्फ की 457 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ाई की। चोटी पर पहुंचे और हाथ गोले फेंक कर दुश्मन के बंकर को ध्वस्त कर दिया। वह और उनके दलों ने संगीनों के साथ आक्रमण किया और कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि शेष ने डर के मारे चोटी से छलांग लगा दी। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में असाधारण शौर्य और नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद।